अभी तक हमने हमारे आंतरिक स्वभाव, हमारे इंटरनल सेल्फ के बारे में बात की, पर आपका जो दूसरों के साथ रिश्ता है वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका खुद के साथ। नए लोगों से मिलना ना ही आपको नए दोस्त और संबंध बनाने में मदद करता है, पर आपको नए नज़रिए देता है, नए दृष्टिकोण देता है, नए परसेप्शंस देता है, जिससे आप ज़िंदगी को एकदम नए रूप में रोज़ देख सकते हैं और इससे आप अपने आप को बेहतर समझ पाते हैं। लेकिन आपको सिर्फ उन लोगों के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको नए कनेक्शंस बनाने पे फोकस करना चाहिए। नए संबंध बनाने से ज़्यादा स्टिमुलेटिंग शायद हमारे दिमाग के लिए और कुछ ना हो, लेकिन ये करना उतना ही मुश्किल है। हर इंसान इतना व्यवहारिक नहीं होता, इतनी आसानी से सोशलाइज नहीं कर पाता, तो उन लोगों के लिए जिनके लिए नए लोगों से बात करना मुश्किल है, मैं कुछ टिप्पणियाँ, कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ। पहली, अगर आपके पास कई नए विचार और कई नए विषयों या टॉपिक्स पर बहुत सारी जानकारी है तो बात करना काफ़ी आसान हो जाता है। याद कीजिए, जब आपने किसी नए स्कूल में दाखिला लिया तो आपका सबसे पहला दोस्त कैसे बना था? या तो आपने अपनी नई पेंसिल के बारे में उसे कुछ बताया होगा, या आपकी फेवरेट कार्टून के बारे में, या कैसे आपको हिंदी या इंग्लिश बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। जानकारी और विचार, ये दोनों ही दो अजनबियों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरी चीज़ है एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा लिसनर होना। जितना ध्यान से आप किसी की भी बात को सुनेंगे उतने ही अच्छे सवाल आपके दिमाग में आएंगे, और जितने अच्छे सवाल आपके दिमाग में आएंगे सामने वाला आपकी बात में, आपकी कॉन्वर्जेशन में उतनी ही ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगेगा। और इसीलिए हमें बारीकियों पर ध्यान देना, यानी अटेंशन टू डिटेल भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप बेहतर सवाल पूछ पाएँ और सामने वाला आपकी बात में उतनी ही दिलचस्पी के साथ आगे बढ़ता रहे। तीसरी ज़रूरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है ये कि लोगों को अपने बारे में बात करना बहुत पसंद है। आपको सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करना है और आपको सोशलाइज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मनुष्य, इंसान एक सामाजिक पशु है, जिसे हम सोशल एनिमल भी कहते हैं। हम हमेशा झुंड में बड़े हुए हैं, तो अगली बार जब आपका कोई वीकेंड आए तो घर जाकर नेटफ्लिक्स चलाने के बजाय, वीडियो गेम्स खेलने के बजाय किसी दोस्त को कॉल कीजिए, किसी मीटअप में जाइए, नए लोगों से मिलिए। ये आपके दिमाग के स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ केयर के बारे में और वो क्यों ज़रूरी है।